फाइनली गाइस अपने गेम के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है, उसके साथ साथ बहुत सारी कार्स और बाइक्स अपने गेम के अंदर ऐड हुई हैं और भाई इनके सीक्रेट चीट कोड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फाइनली गाइस अपने गेम के अंदर नए अपडेट के बाद बहुत सारी चीजें अपने गेम के अंदर ऐड हो चुकी हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को उन्हीं सारी चीज का चीट कोड बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा पहला अपडेट आया है अपने गेम के अंदर, हम लोग 2020 से जो भाई एंडीवर आती थी अपने गेम के अंदर भाई ये पूरा मॉडिफाइड हो चुकी है। जी हाँ गाइस आप लोग देख सकते हैं भाई जो अपने गेम के अंदर एंडीवर्स आती थी भाई ये पूरा मॉडिफाइड भी हो चुकी है। जी हाँ गाइस उसके साथ साथ और इसका कलर भी जो है वो भी पहले वाइट आता था, पर अपने गेम के अंदर नए अपडेट का इसका जो कलर वो रेड में आने लगा है अपने गेम के अंदर। और भाई मैं इसको आप लोगों को घर से बाहर ले चल के दिखाता हूँ कि भाई इसका भाई जो लुक है भाई वो कैसा है। तो उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो भाई इसके अंदर वाले जो फीचर्स है भाई कुछ इस प्रकार का है, और अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन करते तो आप लोग देख सकते हैं भाई इसका जो लुक है भाई क्या ही भाई बहुत ही अच्छा है। जी हाँ गाइस पहले वाले एंडीवर से भाई बहुत ही लाख गुना है भाई ये अच्छा है। तो हम लोग चलते हैं आप लोगों को दूसरा अपडेट बताने की अपने गेम के अंदर कौन सा अपडेट आया है। तो फाइनली गाइस हमारा जो अगला अपडेट है वो है एयरपोर्ट के पास। जी हाँ गाइस एयरपोर्ट के पास अगर हम लोग आएंगे तो भाई उसकी नीचे वाली जो फर्श है भाई ये भी है, और फर्श के साथ साथ भाई यहाँ पे जो दो तीन बिल्डिंग भी ऐड हो चुकी हैं, और जो पुरानी बिल्डिंग थी वो भाई रिमूव हो चुकी है, उसके साथ साथ नई दो बिल्डिंग ऐड हुई हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं भाई सामने स्क्रीन पे। और भाई मैं जल्दी से इस जेट पैक से नीचे उतर तो उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ भाई इस दो बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जी हाँ गाइस तो भाई मैं अपने जेट पैक से नीचे उतर चुका हूँ, पर भाई इधर कोई भी एंट्रेंस का ऑप्शन नहीं है, मुझे चलना पड़ेगा भाई स्टेयर्स की मदद से ऊपर से, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को कि भाई ऊपर वाले फ्लोर पर क्या है अपने गेम के अंदर। जो जब तक मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तब तक अगर आप लोग इस वीडियो पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो भाई बस थोड़ा सा ही बचा, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे एकदम टॉप फ्लोर पे। जी हाँ गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ एकदम टॉप फ्लोर पे, और भाई इधर भी भाई एक गेट तो है तो चलते हैं इसके पास, पर भाई इसके अंदर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और भाई ऊपर वाले फ्लोर पे आप लोग देख ही पा रहे हैं भाई उधर तो कुछ ना कुछ है, तो इसीलिए भाई मैं जेट पैक को मंगा लेता हूँ। तो हम लोग का जो जेट पैक है वो आ चुका है, उसके बाद जल्दी से मैं जेट पैक के ऊपर बैठ जाता हूँ, उसके बाद जेट पैक की मदद से हम लोग चलेंगे ऊपर वाले फ्लोर पे और देखते हैं भाई ऊपर वाले फ्लोर पे क्या चीज़ है। तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है भाई जो एयर मतलब जो ये जहाज वहाज उड़ते हैं भाई इनका सिग्नल देने के लिए भाई इधर कुछ बना हुआ है। तो भाई इधर भाई कुछ है क्या भाई, इधर से स्टेयर्स तो नीचे नहीं जा रही, मुझे भाई इसके पास जाके देखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे कुछ बैठने का ऑप्शन आ रहा, पर भाई ये तो भाई जेट पैक के बैठने का ऑप्शन आ रहा था, भाई मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। ओ भाई मैं इसके पास आया भाई मैं नीचे इसलिए गिर रहा हूँ भाई, इधर इतना बड़ा गड्ढा था भाई मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए भाई मैं गेम को फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर फाइनली गाइस मैंने रिस्टार्ट कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं भाई जो एरोप्लेन का भाई जो नीचे वाला भाई फ्लोर था ये कुछ इस प्रकार का, मतलब इसका जो पूरा डायरेक्शन है भाई पूरा चेंज हो चुका है, और जस्ट इसी हाउस के बगल में एक और भाई कोई चीज बना है। भाई ये क्या है भाई, इसके पास मुझे जाना पड़ेगा और भाई देखते हैं भाई इधर क्या चीज बना है। तो भाई इधर भी एंट्रेंस का ऑप्शन नहीं है भाई, पता नहीं एंट्रेंस का ऑप्शन ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे, इसके पास फिर से जाके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई मैं जेट पैक की मदद से जाने की कोशिश करता हूँ और चलते हैं भाई जेट पैक से भाई एग्जिट लेने। तो भाई यहाँ पे मैं कोशिश किए पर भाई नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसको भाई नेक्स्ट जब वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसमें ट्राई करेंगे इसके अंदर जाने के लिए। तो भाई हमारा अगला अपडेट है जो है भाई अपने गेम के अंदर ऑटो ऐड हो चुकी है। जी हाँ गाइस तो ऑटो का चीट कोड आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, तो ऑटो का चीट कोड मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो 8370 डायल करेंगे उसके बाद अपने गेम के अंदर ऑटो ऐड हो जाएगी या फिर रिक्शा जो बोलो भाई ये ऐड हो जाएगी। भाई इसका जो लुक है भाई ये ना मतलब नॉर्मल है, यहाँ का जैसे अपने मतलब रियल लाइफ में होता है सेम वैसे अपने गेम के अंदर ऐड हुआ है। और अगर हम लोग इसका थर्ड पर्सन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई हम लोगों का भाई जो लुक है भाई बहुत ही भयंकर आ रहा है। तो भाई ये जो भाई ये आप लोग इसका चीट कोड एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, 8370 होने वाला है। तो आप लोग भी अपने गेम को अपडेट करके उसके बाद आप लोग भी ये चीट कोड डालेंगे तो अपने गेम के अंदर ऐड हो जाएगा। जी हाँ गाइस तो आप लोग जल्दी से अपने गेम को जाके अपडेट कर लीजिए। तो फाइनली गाइस अब मैं चलता हूँ अगले अपने न्यू अपडेट की तरफ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली गाइस हमारा जो न्यू अपडेट है वो भाई अपने गेम के अंदर, पहले जो अपने गेम के अंदर एक शोरूम रहता था
उसको रिमूव कर दिया गया था। पर भाई अभी अपने गेम के अंदर जब से नया अपडेट आया उसके बाद से जो भाई पुराने वाला शोरूम था वो रिमूव से भाई फिर से रिटेन आ चुका है। जी हाँ गाइस, फिर से अपने गेम के अंदर आ चुका है। और भाई इस बार वाला भाई जो शोरूम है वो पहले वाले से भी अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं अपने न्यू शोरूम, जी हाँ गाइस, अपना न्यू कार शोरूम, जी हाँ गाइस। तो जल्दी चलते हैं इसके अंदर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई इसके अंदर वाले फीचर्स कैसे हैं। तो भाई जल्दी से मैं चलता हूँ अपने शोरूम के अंदर और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम के अंदर और भाई यहाँ का जो भाई लुक है भाई बहुत ही अच्छा है। भाई पिछले वाले शोरूम से मुझे ये भाई लाख गुना अच्छा लगा। आप लोगों को भाई ये वाला शोरूम कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो हम लोग चलते ऊपर वाले फ्लोर पे और भाई देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे क्या चीज़ है। तो भाई ऊपर वाले फ्लोर पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं भाई इधर भी भाई क्या लुक आ रही। भाई इधर हम लोग कार से फिर कोई बाइक्स को खड़ी करेंगे, उसके बाद जो कस्टमर देखेगा बाहर से फिर अंदर से भाई अलग ही लुक आएगी। तो मैं जल्दी चलता हूँ आप लोगों को अब दूसरा न्यू अपडेट बताने, क्योंकि भाई ये वाले सारे अपडेट अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जल्दी चलते हैं हम लोग आप लोगों को दूसरा चीट कोड बताने और वो भी न्यू अपडेट का। फाइनली गाइस, हमारा न्यू अपडेट का अगला चीट कोड है जो है स्पाइडर मैन। जी हाँ गाइस, अपने गेम के अंदर स्पाइडर मैन ऐड हो चुका है। उसका चीट कोड मैं बताने से पहले इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ। 9129 के चीट कोड से हम लोग को जो इन्फिनाइट हेल्थ है वो लग चुका है और 5599 के चीट कोड से अपने गेम के अंदर स्पाइडर मैन ऐड हो चुका है। भाई आप लोग देख सकते हैं भाई स्पाइडर मैन तो भाई ऊपर ही रह गया। जी हाँ गाइस, भाई ये ऊपर वाले फ्लोर पे है तो मैं जल्दी से हम नीचे वाले फ्लोर पे भी एक स्पाइडर मैन मंगा लेता हूँ। भाई अपने गेम के अंदर नए अपडेट का स्पाइडर ऐड हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, ये स्पाइडर आप लोग चाहे जितनी बार को मतलब चाहे जितनी स्पाइडर ऐड करेंगे उतना अपने गेम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं भाई स्पाइडर जो है भाई बहुत ही भयंकर, ये डायरेक्ट मुझे मारने के लिए आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, अगर हम लोग अपना इन्फिनाइट हेल्थ हटा देंगे तो भाई हम लोग को डायरेक्ट ख़त्म कर डालेगा। जी हाँ गाइस, इसके अंदर जो पावर है भाई कुछ ज़्यादा ही है, नेक्स्ट लेवल की। और पर भाई हम लोग इसके ऊपर नहीं बैठ सकते हैं भाई, यही एक भाई बहुत ही बेकार चीज़ है। पर भाई ये हम लोग के एकदम पीछे पीछे लगा रहता है। हम लोग देखो 9129 के चीट कोड से अगर हम लोग इन्फिनाइट हेल्थ हटा देते तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरी हेल्थ है भाई वो कितना ज़्यादा जल्दी डाउन हो रही है। तो मैं जल्दी से अपना इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ वरना भाई मैं मर जाऊँगा। तो भाई फाइनली गाइस, मैंने इन्फिनाइट हेल्थ जो उसको लगा लिया है तो भाई स्पाइडर मैन अपने गेम के अंदर ऐड हुआ। तो इसका 5599 चीट कोड होने वाला, आप लोग इसको भी ऐड किया है मतलब याद कर लीजिए। तो भाई यहाँ पे और कोई चीज़ कपड़े उपड़े तो नहीं नए ऐड हुए हैं। तो भाई यहाँ पे कंट्रोल्स में भी कुछ नहीं है भाई, इधर भी कुछ नहीं है। और भाई अपने गेम के अंदर ये क्या इंटरनेट ऐड हो चुका है भाई, इंटरनेट अपने गेम के अंदर भाई ये कब ऐड हुआ है। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो भाई अभी कोई भी सही पे क्लिक नहीं होगा। पर भाई अपने गेम के अंदर जब दोबारा नया अपडेट आएगा तो उसमें हम लोग को इंटरनेट में कुछ सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो आप लोग में इस सारे अपडेट में से सबसे अच्छा अपडेट कौन सा लगा कमेंट करके बता दीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।